हेलो एवरीवन, आई एम मुकेश रामानी फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज करौली मैकेनिकल डिपार्टमेंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके एक सब्जेक्ट इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, जो कि ME 307 सब्जेक्ट कोड के अंतर्गत आता है। इससे पहले के लेक्चर में हमने इंस्पेक्शन और क्वालिटी कंट्रोल के बारे में डिस्कस किया था। नेक्स्ट इसको आगे बढ़ाते हुए हम आप एक चैप्टर को डिस्कस करते हैं, जो है आपका स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, मतलब सांख्यिकी गुणवत्ता नियंत्रण। सांख्यिकी गुणवत्ता नियंत्रण के बारे में अगर हम समझने की कोशिश करें तो यह एक ऐसा टूल है जो कि आपकी जो क्वालिटी है उसको कंट्रोल करता है मैथमेटिक्स के द्वारा, या हम इसको और समझें, निर्माण प्रक्रियाओं के दौरान विभिन्न मापों का विश्लेषण सांख्यिकी विधि द्वारा करके वस्तु गुणवत्ता नियंत्रण का लक्ष्य प्राप्त किया जाता है तथा गुणवत्ता नियंत्रण की समस्या को हल किया जाता है। इस विधि को SQC कहा जाता है। विभिन्न विभिन्न डेटा इकट्ठे करके और विभिन्न विश्लेषण मापों का विश्लेषण करके हम जो है डिफेक्टेड जो BPs हैं उनको चेक करते हैं और उसको फिर हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और इसी स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल में हम आगे विभिन्न प्रकार के कंट्रोल चार्ट के बारे में पढ़ते हैं। कंट्रोल चार्ट की बात करें तो कंट्रोल चार्ट में आपके एक XBAR चार्ट होता है, P चार्ट और C चार्ट। ये तीन चार्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं आपके सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो हाल फिलहाल हम सबसे पहले जो इन सभी चार्टों में जो SQC में विभिन्न जो गणनाएं हैं या विभिन्न जो महत्वपूर्ण पद हैं वो क्या क्या यूज़ होंगे, सबसे पहले हम उसके बारे में बात करते हैं और उसके बाद फिर हम एक एक करके इन कंट्रोल चार्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये इन चार्टों में क्या क्या वर्ड या क्या क्या शब्दावली या क्या क्या शब्द जो होंगे यूज़, उसके बारे में एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें SQC में प्रयुक्त गणनाएं, तो एक उदाहरण के द्वारा हम विभिन्न जो शब्दावलियां हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं, कौन कौन सी टर्म्स हम इसमें यूज़ करेंगे उनके बारे में अगर हमें पता नहीं होगा तो हम जो ये चार्ट हैं आपके कंट्रोल चार्ट हैं उसके बारे में हम उनको ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले उनको समझने के लिए हम एक उदाहरण से समझते हैं। एक उदाहरण है लंबाई के नाप, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है जो लंबाई के नाप क्रमशः 10, 9, 11, 7, 10, 6, 10, 9, 11, 10 तथा 6 सेंटीमीटर हैं। इन नापों के लिए हम उपरोक्त गणनाएं कैसे की जाती हैं यह देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माध्य की। माध्य को X bar से दिखाया जाता है और X bar का जो फॉर्मूला, जो सूत्र होता है वो होता है समेशन ऑफ X i 1 to n। इस i का मतलब नंबर से है। सपोज अगर हम इसको समेशन का मतलब सम से है तो यहाँ पे अगर हम इसको काउंट करें तो ये जो टोटल लंबाइयाँ हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाती है 11, और i बराबर 1 से लेके 11 समेशन करना है x का। तो x i बराबर सबसे पहले 1 रखेंगे तो x1 प्लस फिर आ जाएगा x2 प्लस x3 प्लस x11 तक और उसको डिवाइड कर देंगे n मतलब किससे 11 से। ये नीचे X bar को समझाया गया है। सबसे पहले हम सारी वैल्यूज़ को लिख देंगे x1 x2 x3 x4 n मतलब 11 तक लिखेंगे और उसके बाद उसको 11 से डिवाइड कर देंगे। तो ये जो वैल्यू आती है वो वैल्यू आपकी कहलाती है माध्य, मतलब X bar की वैल्यू हो जाती है 9। तो X bar का काफ़ी यूज़ होगा तो इस हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जो मीडियन है, मीडियन मतलब जो है माध्यिका। तो माध्यिका को अगर हम समझें कि जितने भी आपकी टर्म्स हैं वो उनमें से बीच का आपका जो भी लंबाई होगी, तो टोटल 11 हैं, तो ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो यहाँ से 5, यहाँ से 5, जो बीच का वर्ड होगा वो होगा 10। तो कई बार जो माध्यिकाएँ वो 2, 12 अगर ये काउंटिंग होती तो 2 काउंट हम उसको कर सकते थे। उसके बाद आता है बहुलक। बहुलक को अगर हम समझें तो बहुलक आपका होता है मोड, जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं, बहुलक किसी भी श्रेणी में सर्वाधिक बार आने वाला पद बहुलक होता है। उपरोक्त उदाहरण से हम अगर बहुलक देखें तो वो 10 सेंटीमीटर होगा। तो अगर ये हम देखें, इन सब लंबाइयों को हम एनालिसिस करें तो 6 दो बार है, 7 आपका 1 बार है, 9 आपका 2 बार है,
ये 10 जो है वो आपका 4 बार है और जो 11 है वो आपका 2 बार है। तो सर्वाधिक जो लंबाइयां हैं वो आपकी 10 सेंटीमीटर हैं, तो इसीलिए इस उदाहरण में जो बहुलक होगा, मोड होगा, वो आपका 10 हो जाता है। तो इस तरह से हम बहुलक को ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें माध्य, माध्यिका व बहुलक सभी केंद्रीय मान को बताते हैं। केंद्रीय मान को बताते हैं मतलब एक सेंट्रल वैल्यूज़ को बताते हैं, अर्थात ये सभी केंद्रीय प्रवृत्ति के होते हैं। हमने देखा था माध्य सबका टोटल किया एवरेज, तो वो एक तरह से केंद्रीय मान हुआ। माध्यिका बीच वाला, बहुलक जो भी सबसे ज़्यादा टर्म्स यूज़ होती है, तो वो माध्य से भी आपका एक समान हो सकता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं परास रेंज। रेंज का मतलब है जो भी आपके ऑब्जेक्ट की लंबाइयां हैं उनमें जो अधिकतम माप है और उनमें जो मिनिमम मतलब न्यूनतम नाप है उनमें कितना अंतर है, उसी को हम बोलते हैं परास मतलब रेंज। तो अधिकतम मान या बड़ी संख्या में से निम्न मान या छोटी संख्या घटाने से परास प्राप्त होती है। तो अगर हम एक बार उदाहरण की बात चलें तो सबसे जो अधिकतम है वो 11 है सेंटीमीटर है और सबसे जो न्यूनतम वैल्यू है वो 6 सेंटीमीटर है। तो अधिकतम में से हमने न्यूनतम को घटाया तो ये आपका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो इस उदाहरण की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो रेंज होगी वो आपकी होगी 5 सेंटीमीटर। तो इस हिसाब से हम परास को ज्ञात करते हैं। माध्य विचलन मतलब इसको हम बोलते हैं मीन डेविएशन। मीन डेविएशन माध्य विचलन निकालने के लिए हम सूत्र यूज़ कर सकते हैं, समेशन, ये समेशन ऑफ आई 1 टू n एक्स आई माइनस एक्स बार ऑन n। तो i की वैल्यू चेंज करते करते हम इसको आगे तक ले जा सकते हैं। i बराबर 1 रखते हैं ये x1, तो ये होगा x1 माइनस एक्स बार और इस हिसाब से प्लस x2 माइनस एक्स बार प्लस x3 माइनस एक्स बार। इस तरह से हम 11 तक लेंगे और उसको n से डिवाइड कर देंगे। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो पहला एक्स आई मतलब 10 था, x बार आपका 9 आया, तो सबसे पहले 10 माइनस 9 फिर प्लस कर देंगे। x2 आपका 9 था, 9 माइनस 9 11 माइनस 9 प्लस 7 माइनस 9 10 माइनस 9, इन सबको जब हम जोड़ते हैं और इसको कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से हम माध्य विचलन को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये 1 0, इस हिसाब से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है वो आपको इस हिसाब से कैलकुलेट करना होगा। तो अगर इसके बाद हम करें, यह सभी संख्याओं के माध्य से विचलन का समांतर माध्य होता है। उसके बाद अगर हम एक इम्पोर्टेंट, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, जिसको हम बोलते हैं मानक विचलन, इसको हम सिग्मा से दर्शाते हैं। तो इसकी अगर हम देखें, यह भी कुल नाप संख्याओं के विक्षेपण को दर्शाता है तथा इसे सिग्मा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। सिग्मा मतलब जो मानक विचलन है उसका फॉर्मूला हम ये लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ एक्स समेशन ऑफ आई वन टू एन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन में एन। ये जैसे एक्स वन माइनस एक्स बार लिया, इसका स्क्वायर किया, फिर हमने लिया एक्स टू माइनस एक्स बार, इसका स्क्वायर, ऐसे हम 11 तक चलेंगे, इनका अंडर रूट करके नीचे हम 11 से इसको डिवाइड कर देंगे। एग्जांपल के लिए समझाया गया है, सबसे पहले x1 आपका 10 था, x बार आपका 9, तो x बार तो हमेशा ही 9 रहेगा हर चीज़ में, लेकिन x1 10, x2 9, x3 11, x4 7, x इस तरह से चेंज होते हैं और इनका स्क्वायर करके इनको जोड़ेंगे और उनका 11 से डिवाइड करने के बाद उसका हम अंडर रूट ले लेंगे। तो उसके बाद ये जो वैल्यू आती है, ये वैल्यू जो कैलकुलेट होके आएगी, यही आपका हो जाता है मानक विचलन, जिसको हम सिग्मा से दर्शाते हैं। तो ये कुल मिला के हमने जो भी SQC मतलब स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल मतलब सांख्यिकी गुणवत्ता नियंत्रण में जो जो भी शब्द यूज़ होंगे उसके बारे में हमने पढ़ा। आगे जब हम X बार चार्ट, P चार्ट और C चार्ट की बात करेंगे तो वहाँ पे माध्य विचलन, माध्य का मोड, किसी की भी आवश्यकता होने पर हम इसको इस उपरोक्त उदाहरण के द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम आगे की तरफ चलें तो आगे की तरफ एक टर्म यूज़ होती है जिसको हम बोलते हैं सामान्य आवृत्ति बंकन वक्र, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से आप क्या समझते हैं, इसको समझाइए। तो सबसे पहले हम इसको एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो सामान्य आवृत्ति बंकन वक्र है ये किस प्रवृत्ति या किस
के द्वारा हम इसको समझाते हैं। तो अगर हम इसको पढ़ें तो सांख्यिकी गुणवत्ता नियंत्रण SQC में इस ग्राफीय विधि का प्रयोग सबसे अधिक होता है तथा इस ग्राफीय विधि से जो वक्र प्राप्त होता है उसे सामान्य वक्र मतलब नॉर्मल कर्व कहा जाता है। मतलब ये जो सामान्य आवर्ती बंकन वक्र है SQC में काफ़ी इसका यूज़ होता है और इसकी जो वक्र है वो जो भी आप वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं उससे प्राप्त होते हैं जिसको हम बोलते हैं सामान्य वक्र। तो अगर हम एक उदाहरण से समझें, उदाहरण के लिए यदि एक खरात पर 2 सेंटीमीटर का व्यास का कोई बेलन अधिक संख्या में बनाया जाए तो इन सभी का निरीक्षण किया जाए तो यह ज्ञात होता है कि 2 सेंटीमीटर व्यास के बेलनों की संख्या सबसे अधिक होगी। सपोज हम कोई एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, सपोज एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जिसका व्यास हमें 2 सेंटीमीटर रखना है, उसके हम सपोज 1000 पीस बना रहे हैं, तो ये तो फैक्ट है कि जो सबसे ज़्यादा पीस होंगे डाइमेंशंस के वो 2 सेंटीमीटर की होंगे। थोड़ा बहुत जो एरर होगी वो हो सकता है कि जैसे सपोज 2.1 सेंटीमीटर तथा 1.9 सेंटीमीटर व्यास के बेलनों की संख्या जो होगी वो ऑब्वियसली बात है 2 सेंटीमीटर वालों से कम होगी, क्योंकि एक्यूरेसी अगर हम कोशिश 2 सेंटीमीटर बनाने की करेंगे तो सबसे ज़्यादा 2 सेंटीमीटर की बनेंगे। कुछ एरर की वजह से कई जो ऑब्जेक्ट हैं वो इसकी डायमेंशन से प्लस माइनस में भी बन सकते हैं, लेकिन उनकी जो संख्या होगी वो 2 सेंटीमीटर से हमेशा कम होगी। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया 2.1 सेंटीमीटर और 1.9 सेंटीमीटर व्यास के बेलनों की संख्या 2 सेंटीमीटर व्यास के बेलनों से कम होगी, और जबकि और हम आगे जाएं 2.2 सेंटीमीटर तथा 1.8 सेंटीमीटर व्यास के बेलनों की संख्या सबसे कम होगी। तो ये एक नॉर्मल टेंडेंसी है, कभी भी हम जो भी नाप बनाते हैं तो सबसे ज़्यादा तो जो नाप हम डिसाइड कर चुके हैं उसी के बनते हैं, कुछ एरर की वजह से नाप में चेंज हो सकते हैं तो उस हिसाब से पीस करते हैं। तो इस सामान्य आवर्ती बंकन वक्र से हम यही एनालिसिस निकालते हैं कि किस प्रकार की जो एरर है कितने परसेंटेज की हो सकती है, तो ये सारा कर्व से प्राप्त होता है। तो इसको हम और समझें, अगर परीक्षणों के दौरान नमूनों सैंपल के व्यास का माध्य एक्स बार तथा मानक विचलन सिग्मा ज्ञात किया जाता है और उसी के सहायता से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को बनाया जाता है। सांख्यिकी की सामान्य वक्र सारणियों से ज्ञात किया जाता है कि सबसे पहले अगर हम बात करें नमूनों में से लिए गए नापों में से ये 68.26% नमूनों का अधिकतम माप एक्स बार प्लस सिग्मा तथा न्यूनतम माप एक्स बार माइनस सिग्मा होगा। एक्स बार माध्यमान, एक्स बार माध्य और सिग्मा आपका मानक विचलन है। नमूनों के मापों में 95.46% का माप एक्स बार प्लस माइनस 2 सिग्मा की सीमाओं के बीच में होंगे। नमूनों के मापों में 99.373% माप एक्स बार प्लस माइनस 3 सिग्मा की मापों के बीच में होंगे। ये मैक्सिमम वैल्यूज़ जो होंगी उसके माप आपके ज़्यादा होंगे, फिर इसके होंगे और फिर इसके होंगे। तो ये जो परसेंटेज हैं वो इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से ही हमें प्राप्त होते हैं। और अगर हम आगे इसको समझने की कोशिश करें तो देखते हैं एग्जाम्पल, यदि बेलनों के नमूनों के लिए एक्स बार बराबर 2 सेंटीमीटर, सिग्मा 0.1 सेंटीमीटर और 1000 बेलन बनाए जाते हैं, तो हमने ये देखा था कि जो 68.2% का मतलब 1000 में से 68.2% मतलब 682, तो 682 नमूनों की जो लंबाइयाँ होंगी वो एक्स बार प्लस सिग्मा, एक्स बार माइनस सिग्मा, एक्स बार प्लस सिग्मा 2.1 हो जाता है, एक्स बार माइनस सिग्मा 1.9 सेंटीमीटर हो जाता है। तो 682 नमूनों की लंबाई इनके मध्य में होगी। फिर आता है 95.4% नमूनों की लंबाइयाँ एक्स बार प्लस 2 सिग्मा, एक्स बार माइनस 2 सिग्मा, तो यहाँ पे 2.2 सेंटीमीटर और 1.8 सेंटीमीटर के मध्य होगी। ये लिखा हुआ है आपका एक्स बार प्लस माइनस 2 सिग्मा। और फिर आ जाता है आपका 97, इसके बाद आपका आ जाता है ये जो हमने डिस्कस किया था ऊपर, इसके बाद हमने डिस्कस किया था अगर परसेंटेज की बात करें 99.73 की जो माप होंगी वो एक्स बार प्लस, ये हमने डिस्कस किया था 99.37 की माप एक्स बार प्लस माइनस 3 सिग्मा की सीमाओं के बीच होंगे। तो यहाँ पे ये 957 नहीं होगा, ये होगा 997, ये गलत लिखा हुआ है, 997 की जो नमूने हैं मतलब 997 नमूनों की जो लंबाई होगी वो 2.3 सेंटीमीटर और 1.7 सेंटीमीटर के मध्य होगी। सीधी सी बात है, इनके रेंज में आपका 2.2 और 1.8 भी आ जाता है और इसमें 2 सेंटीमीटर होता है, तो इसके रेंज में सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्ट होंगे, इसके रेंज में कम होंगे और सबसे कम इस रेंज में होंगे, और वो जो रेंज है वो आपकी इस परसेंटेज में आपकी डिफ़ाइन की जाती है जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से हम देखते हैं। तो अगर इसको हम कर्व को ड्रॉ करना चाहें, ये जो आपका कर्व है यही आपका कर्व है
नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो इस प्रकार से ये कर्व बनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो यहाँ पे रेंज दी हुई है, ये यहाँ से जो वैल्यूज़ है 68.26% एक्स बार प्लस माइनस सिग्मा, यहाँ से यहाँ तक की जो रेंज है एक्स बार प्लस माइनस 2 सिग्मा, और यहाँ से यहाँ तक की जो रेंज है वो एक्स बार प्लस माइनस 3 सिग्मा। तो इस रेंज से जो बाहर हैं तो वो वैल्यूज़ आपकी 903 ऑब्जेक्ट जो ऐसे होंगे जो 2.3 से ऊपर और 1.7 से नीचे की तरफ जाएंगे, मतलब 997 नमूने आपकी रेंज में रहेंगे। इस अगर इस एग्ज़ाम्पल की सहायता से हम समझने की कोशिश करें तो ये जो आपका होता है इसी को बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। ये एक्स बार की मैक्सिमम वैल्यू को दर्शाता है और ये एक्स और वाई हम इसको दर्शा सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमने दो चीज़ों के बारे में आज डिस्कस किया। पहला हमने ये देखा कि जो SQC है उसका क्या इम्पोर्टेंस रोल है, उसमें जो शब्द हैं वो क्या क्या यूज़ होते हैं, और उसके बाद जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है उसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं।